हेलो गाइस, सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस, कोरोना वायरस अपडेट. सो आई विल डिस्कस. सो टुडे इज द व्हाट डेट गाइस? सो टुडे इज द 8th. तो ये जो है, मैं 8 अप्रैल को रात को 11 बजे ये वीडियो शूट कर रहा हूँ गाइस. तो 8 अप्रैल 2020 का ये वीडियो शूट है, और तब तक का आपका जो है, यहाँ पे डिटेल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 773 न्यू इन्फेक्शन जो है वो अभी तक हमारे इंडिया में पिछले 24 घंटों में आया है. ये हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा ये इंफॉर्मेशन दिया गया है, और 32 लोगों की मौत हो चुकी है. तो इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे. आखिर अभी तक भी, इसके बाद भी, और भी बहुत सारे जो कोरोना अपडेट्स हैं वो सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 773 इन्फेक्शंस अभी आए हैं, ठीक है, पिछले 24 घंटे में सिर्फ, और जिसमें 32 लोगों को की मौत हो गई है ड्यू टू द कोविड-19 गाइस. एंड दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ द इंडिया, राइट गाइस? तो गाइस, आई होप यू ऑल आर स्टेइंग होम, राइट? एंड स्टे होम, स्टे हेल्दी, प्रोटेक्ट योर फैमिली and protect your country, community and everything guys. And if you want to beat COVID-19, so please stay home and stay healthy guys. और जो भी स्टूडेंट यूपीएससी 2020 की तैयारी कर रहे हैं या 2021 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये चैनल बहुत ही बेनिफिशियल है, और इस पर उनको सारे चीज़ की पढ़ाई होती है, जैसे कि मैथ, जीके, जीएस, करेंट अफेयर, और आपका आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक, पूरा का सेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है. और अगर गाइस, अगर आपका सपोर्ट रहा तो और भी हमारे साथ यहाँ पे इंडिया के जो भी टॉप फैकल्टीज़ हैं वो भी जुड़ेंगे. अगर आप मेरे को अनअकैडमी प्लस पे अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके मेरे को फॉलो कर सकते हैं. दिस इज़ प्रेजेंटेड बाई मी, आशीष सर. ओके गाइस, चलो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं. तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने वेडनेसडे को ये कहा कि 32 लोगों की मौत हो चुकी है, और 773% जो है वो टेस्टेड पॉजिटिव हुए हैं. कब? नोवेल कोरोना वायरस से. जब अगर हम लोग बात करें तो मतलब लगभग ट्यूसडे से, और ये मतलब 7 अप्रैल से 8 अप्रैल तक के बीच का बात ये किया जा रहा है. मतलब ट्यूसडे से वेडनेसडे के बीच में जो 24 घंटे का जो टाइम है, उसमें 32 लोगों की डेथ हो गई, और 773% की जो एक तरीके से टेस्टेड पॉजिटिव पाया गया है, और उनमें जो है वो सिम्टम मिला है आपको कोरोना वायरस का, ठीक है, कोविड-19 का. तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से हमारे कंट्री में ये बढ़ रहा है. ज्वाइंट सेक्रेटरी के द्वारा ये जो लाल अग्रवाल हैं, जो हेल्थ मिनिस्ट्री के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक ब्रीफिंग में ये बोला कि टोटल नंबर ऑफ केस हमारे इंडिया में जो है वो कितने हो गए हैं, वो 5,194 हो गए हैं, और टोटल डेथ जो है वो 149 हो चुका है गाइस. एंड एज द नंबर ऑफ द केस कोविड-19 आर राइजिंग इन द कंट्री एंड सेंटर रिस्पॉन्स द प्रिपेयरनेस अलॉन्ग द स्टेट इज राइजिंग अकॉर्डिंगली. तो यहाँ पे इस तरीके से कोविड-19 का केस जो है वो हमारी कंट्री में राइज हो रहा है, कुछ लोगों की बेवकूफ़ी के कारण ये बढ़ते जा रहा है गाइस. तो आपको अगर एक तरीके से एजुकेटेड एंड अगर आपको रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह अगर आपको यहाँ पे इंडिया को सपोर्ट करना है, तो बिल्कुल आप अपने घर पे रहें, और बिल्कुल अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करें, राइट? ओके. एंड हॉस्पिटल में अगर हम लोग बात करें तो हॉस्पिटल में जो यहाँ पे ये भी बोला गया कि जो भी हॉस्पिटल हैं वहाँ पे जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से भी उनको भी जो इन्फेक्शन से प्रिवेंशन के या फिर उनको कंट्रोल मेजर के लिए उनको भी बाकी सारा चीज़, क्योंकि वो भी एक तरीके से मैन है, पर्सन है, उनको भी कोविड-19 से खतरा है, तो बिल्कुल उनको भी, उनके भी हेल्थ पे फोकस किया जाए. ही सेड द सेंट्रल हैड टोल्ड स्टेट टू कंटिन्यू इट्स फोकस ऑन बिल्डिंग द हॉस्पिटल एंड ऑन द सर्वेलिंग द कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग. तो इस तरीके से यहाँ पे सेंटर ने ऐसा कहा कि जो भी बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर भी फोकस करना है, होल हॉस्पिटल के बिल्डिंग के पे, और जो भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वहाँ पे आपको ध्यान भी रखना है, सर्वेलेंस के अंदर उसको रखना है. और उन लोगों के द्वारा ऐसा भी बोला गया कि यहाँ पे जो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, ये जो है दवा, वो अवेलेबल हमारी कंट्री में होना चाहिए, ठीक है. अगर हम लोग बात करें तो
आईसीएमआर के द्वारा ऐसा बोला जा रहा है कि लगभग 1,21,271 टेस्ट जो है वो अभी तक हमारी कंट्री में हो चुका है। ठीक है, मतलब 1,21,271 टेस्ट हो चुका है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे गाइस, राइट? ओके। एंड कोविड-19 में अगर हम लोग डेथ के बारे में बात करें तो ये इंडिया में बहुत ही कम है। ठीक है, अगर दूसरे कंट्री के कंपेयर में अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि, और नंबर ऑफ डेथ जो महाराष्ट्र है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो ये आपको बोला जा रहा है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा डेथ हुई है। लेकिन अगर आप दूसरी कंट्री को देखें तो दूसरी कंट्री में जैसे कि अमेरिका को देखें, तो अमेरिका में अभी तक का जो है वो डिटेल जो है वो 14,000 अप्रॉक्सीमेटली डेथ हो चुकी है, राइट? आर यू गेटिंग? इटली में जो है वो लगभग 16,000 लोगों की डेथ हो चुकी है। तो आप समझ सकते हो कि उतनी छोटी कंट्री, अगर उसके कंपेयर में अगर हमारी कंट्री में जो है हम लोग अभी भी बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं और अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, स्टे होम एंड स्टे हेल्दी गाइस, राइट? ओके, तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आ गया। जितने भी स्टूडेंट हैं आई होप सारे लोगों को समझ में आ गया, और जितने भी इंडिया के सिटीजन हैं, अगर आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं तो बिल्कुल आपको अभी यही एक ऐसा मौका है जिसमें आप बहुत अच्छे से देशभक्ति निभा सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ घर पे रहना है और इंडिया को सपोर्ट करना है गाइस। सो यही था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं फिर से नए कोरोना अपडेट्स को लेकर आप लोगों के बीच में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू गाइस, जय हिंद।